So, once again, welcome back guys to your this home of all Perman lovers, P for Perman and Pianoing। मुझे पता है कि अभी आप डायरेक्टली स्टोरी पर ही जाना चाहोगे, तो मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। डायरेक्टली लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी, फर्स्टली टू द इंट्रोडक्शन, देन टू द चैप्टर। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि अब सुमीरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, तो अब सुमीरे लगातार धड़ाधड़ परमैन को बचाने के लिए, परमैन की सोल को उसके अंदर वापस डालने के लिए खूब मेहनत कर रही थी। और वो रोज़ खूब सारे टमाटर और गाजर खाती थी ताकि उसके अंदर का खून बढ़े, ताकि फाइनली जब परमैन की सोल उसकी बॉडी के अंदर डालनी हो, तब उसकी बॉडी के अंदर अगर वो खून निकाल भी दे उसके बॉडी के अंदर से, तब भी उसके अंदर से खून की कमी ना हो। अब आगे वो खूब मेहनत कर रही थी, बहुत तेज़। सुमीरे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी। अब वो रोज़ रोज़ गर्म रेत में हाथ डालती थी, बहुत लंबे लंबे, मैराथन से भी ज़्यादा लंबे लंबे दौड़ लगाती थी। अपना स्टेमिना बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लिया था उसने, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। अब ऐसा था कि अगर कई बार जब हादसे हो रहे थे नॉर्मली, परमैन ज़रूर मिसिंग था, बिल्कुल मिसिंग था, लेकिन सुमीरे उसकी कमी को पूरा कर रही थी। एक बिल्डिंग थी जो बहुत ही बुरे तरीके से टूट चुकी थी, नीचे गिर रही थी। वो जैसे नीचे गिर रही थी, पाको के पास इतना टाइम नहीं था कि वो बिल्डिंग को बचाने के लिए बाकी परमेंस को कॉल करे। उसने खुद अकेले ने पूरी बिल्डिंग को उठा लिया था। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी वो अकेले मिशंस पर जाने लगी थी। वो किसी को नहीं बताती थी कि वो सीक्रेट मिशन पर जा रही है। एक शिप भी डूब रही थी, तब भी उसने पूरी शिप को अकेले उठाया था, शिप को, बहुत बड़ी शिप को। बहुत मेहनत कर रही थी सुमीरे हद से ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। अब सुमीरे रोज़ मेडिटेशन भी करती है, रोज़ एक्सरसाइज भी करती है, सब करती है सुमीरे पूरे दिलो जान के साथ परमैन को वापस लाना चाहती है। उधर शिकाना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है। शिकाना ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि अब टाइम और लाइट जैम की मदद से वो कुछ भी कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें। उसने एक बार अपना हाथ काटा और टाइम जैम की मदद से वो लाइट की स्पीड से वापस गया और अपने हाथ को रीजनरेट कर लिया। उसने टाइम ट्रैवल को पॉसिबल कर दिया है। अब शिकाना कहीं पर भी टाइम ट्रैवल कर सकता है, लेकिन बस फ़र्क यही है कि उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसके लिए। दूसरी तरफ, यानी कि तीसरी तरफ, बर्डमैन भी परमैन को वापस लाना चाहते हैं और शिकाना को हराना चाहते हैं, क्योंकि शिकाना से उनकी पुरानी दुश्मनी है। बदला तो वो लेकर ही रहेंगे। वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि परमैन कहाँ है, क्योंकि परमैन की सोल ने अभी तक केवल और केवल सुमीरे को ही बताया है। ये बात है। और तो और, परमैन की बॉडी जो पैरेलल यूनिवर्स के अंदर है, वो अब धीरे धीरे करके डेके होते जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कहीं पर भी बचाने के लिए कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई न्यूट्रिशंस भी नहीं मिल रहे हैं। परमानेंट बॉडी ख़त्म होती जा रही है। अब जब सुमीरे की तरफ हमने देखा तो हम देखते हैं सुमीरे मेडिटेशन कर रही थी। वो मेडिटेशन करते करते अचानक से उड़ने लग गई। हाँ, उसने परमानेंट सेट पहना हुआ था, लेकिन वो अपने मेंटल की वजह से नहीं उड़ रही थी। वो ऐसा था कि मान लो मेडिटेशन की पावर की मदद से ही वो उड़ने लगी। धीरे धीरे करके वो हवा में उड़ रही थी, उसे हवाएं फील हो रही थी। उसने अपने मेडिटेशन को तोड़ा नहीं कि कहीं उसका मेडिटेशन टूट ना जाए। तभी एक बहुत ही जोर से झटका लगता है सुमीरे को, और सुमीरे बहुत दूर जाकर के एक खंबे से टकराती है। वो खंबा भी कोई नॉर्मल खंबा नहीं था, वो खंबा शिकाना ने डिज़ाइन करवाया था। खंबा इतना पावरफुल था कि खंबा नहीं टूटा, लेकिन जैसे वो उसे अड़ी, उसका मेंटल फट गया और उसका जो हेलमेट था वो बहुत बुरे तरीके से टूट गया। उसकी बॉडी के अंदर से खून निकलने लग गया था। उसका मेंटल इसी वजह से फटा था क्योंकि खंबे के अंदर कील भी थी। सुमीरे घायल हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि वो खंबा शिकाना ने डिजाइन करवाया था। फिर जब उसने परमैन को याद करा कि परमैन कहाँ हो, परमैन प्लीज वापस आओ, परमैन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, परमैन की सोल वापस नहीं आ रही है, परमैन की सोल गायब। तब सुमीरे जैसे तैसे करके अपनी पावर्स की मदद से खुद उठती है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। हाँ पता है, परमैन की सोल की मदद से उसकी स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन अभी उसने इतनी मेहनत कर ली है कि सुमीरे अभी भी काफी सक्षम है, वो काफी सारे काम कर सकती है। वो जाती है, अपने बैज से बर्डमैन को कॉल लगाती है, बर्डमैन आते हैं, वो बर्डमैन को पूरी बात बताती है, लेकिन हाँ उसे भी नहीं पता कि वो खंबा किसने डिजाइन करवाया था। वो बताती है कि उसने मेडिटेशन करा और तभी अचानक से उसकी बॉडी को झटका लगा और वो पीछे गई और खंबे से टकरा गई। खंबा नहीं टूटा, उसका हेलमेट और मेंटल खराब हो गए। बर्डमैन उसे वापस से पाकों का सेट देते हैं। अब जैसे ही बर्डमैन बताते हैं कि वो पूरी आर्मी के साथ जाने वाले हैं परमैन को बचाने के लिए, वो परमैन के बारे में सर्च करेंगे, सुमीरे बोलती है बर्डमैन देखिए मुझे पता है कि शिकाना की आपसे दुश्मनी है, लेकिन अब उसने मेरे साथ भी दुश्मनी मोल ले ली है, उसने मेरे परमैन को मुझसे छीना है। और बर्डमैन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कुछ समय पहले मेरी परमैन की सोल से बात हुई थी, कैसे वो फिर कभी बताऊंगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि एक बार आपको मेरे साथ फाइट करनी होगी, ताकि अगर आप मुझसे हार गए मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं शिकाना को हराने के लिए तैयार हूँ। तो बर्डमैन क्या आप मेरी इस काम में हेल्प करेंगे? प्लीज़ बर्डमैन, प्लीज़ प्लीज़ बर्डमैन, मुझे मेरा परमैन वापस चाहिए, मुझे मेरा मित्सुओ वापस चाहिए, वो मेरी आइडेंटिटी जान चुका है, लेकिन शायद से आधे तरीके से, क्योंकि उसकी सोल से मेरी बात हुई है, उसकी बॉडी से नहीं। बर्डमैन ये सुनकर के मान जाते हैं उसकी बात को और कहते हैं ठीक है पाको, बताओ किन किन कंडीशंस के साथ मुझे तुम्हारे साथ एक मैच रखना है, एक फाइट रखनी है। पाको बोलती है बर्डमैन आप अपनी सारी पावर्स यूज करेंगे और मैं केवल एक पाको की पावर यूज करूंगी। बर्डमैन बोलते हैं लेकिन ये बराबरी की लड़ाई नहीं होगी सुमीरे। पाको फिर रिप्लाई करती है नहीं बर्डमैन, परमैन ने मुझसे कहा है और मैं ये करूंगी ही करूंगी, आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो। बर्डमैन मान जाते हैं फिर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुमीरे सही में अभी वो जो कह रही है वही मानना सही होगा। बर्डमैन मान जाते हैं। अब सामने सुमीरे और सुमीरे के सामने बर्डमैन, दोनों एक मैदान में खड़े हुए हैं। बर्डमैन के पास उनकी डिस्क है और उनके पास वो गन भी है जिससे कि वो सुमीरे को जानवर बना सकते हैं, सुमीरे की जान भी जा सकती है अभी इस फाइट में, इस टेस्ट मैच में ही। सुमीरे के सामने बर्डमैन, बर्डमैन के सामने सुमीरे। पाको ने उड़ना स्टार्ट किया, यानी कि सुमीरे ने, और बहुत स्पीड में आई और बर्डमैन ने डॉज कर लिया। सामने एक पेड़ था, वहां जाकर के सुमीरे टकरा जाती है, सुमीरे नीचे गिर गई। फिर बर्डमैन थोड़े से दुख में आकर के बोलते हैं सुमीरे छोड़ो, तुम नहीं कर पाओगी, अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये सुनकर के सुमीरे एक घायल शेरनी की तरह उठती है और बोलती है नहीं, आज या तो आर या तो पार। बर्डमैन को ये बात थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है, वो हल्के से गुस्से में आते हैं और वो अपनी डिस्क से उतरते हैं और पाको के पास उसे पंच मारने के लिए जाते हैं। पाको उनके पंच को ब्लॉक कर देती है अपने दूसरे हाथ से, और वहीं जिस हाथ से ब्लॉक करती है उसके दूसरे हाथ से उन्हें पंच मारती है और बर्डमैन वापस चले जाते हैं। वो पाको का पंच सह नहीं पाते, पाको अब ज़्यादा पावरफुल थी पहले से। बर्डमैन बोलते हैं तो आई होप तुमने काफ़ी प्रैक्टिस तो करी होगी ना। पाको बोलती है वो सब छोड़िए, मेरी प्रैक्टिस करवाइए। अब बर्डमैन बोलते हैं ठीक है चलो मुझे पकड़ के बताओ। वहाँ बर्डमैन 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे थे और पाको ने बड़े आराम से 200 किलोमीटर की स्पीड से उसे पकड़ लिया, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बर्डमैन बोलते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो पाको फिर उन्हें थोड़ा टॉन्ट करती है क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी थी। वो थोड़ा टॉन्ट करके बोलती हैं, क्या बर्डमैन आप, बिना आपसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अरे जाओ बर्डमैन, मैं तो शिकाना को यूँ ही हरा दूँगी चुटकियों में। बर्डमैन को ये सुन करके थोड़ा गुस्सा आता है। बर्डमैन बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, अब इससे बच के बताओ सुमीरे। वो जानवर बनाने वाली गन निकालते हैं और सुमीरे की तरफ शूट करते हैं। सुमीरे वहीं पीछे मुड़ती है, नीचे झुकती है और सामने एक मिरर लगा देती है। लेज़र गई, रिफ्लेक्ट हुई, बर्डमैन की तरफ आ गई, लेकिन बर्डमैन ने तभी अपने डिस्क को कर दिया आड़ा और वो लेज़र एब्जॉर्ब कर गई। सुमीरे बच गई, बर्डमैन भी बच गए। अब दोनों को ही गुस्सा आ रहा था, धीरे धीरे करके दोनों का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अब एक फाइनल अटैक की तरह दोनों बड़ी स्पीड में आते हैं और एक दूसरे के साथ टकराते हैं। पाको ने अपना पंच लगाया और बर्डमैन ने पूरी ताकत के साथ अपनी डिस्क को उससे अड़ाया। बर्डमैन की डिस्क को पाको ने तोड़ दिया और बर्डमैन को पंच लगा और बर्डमैन बहुत दूर जाकर के गिरे। बर्डमैन फिर खड़े हुए, मेहनत करी, कोशिश करी, वो खड़े हुए और पाको के साथ जब वो लड़े तो इस बार पाको ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से उठा करके फेंका, अब की बार बर्डमैन नहीं उठ पाए। बर्डमैन बोल गए, हाँ पाको, तुम शिकाना से लड़ने के लिए अब तैयार हो। पाको ये सुनकर के काफ़ी खुश होती है, वो खुशी के मारे उड़ने लगती है। तभी पाको की बॉडी गायब होने लगती है। धीरे धीरे करके पाको की बॉडी ख़त्म हो रही थी, एक तरह से पाको वैनिश हो रही थी, गायब हो रही थी। बर्डमैन बहुत परेशान हो जाते हैं, वो उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन पाको जैसे जैसे करके वैनिश हो रही थी। पाको की बॉडी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। वो धीरे धीरे करके बर्डमैन को उठाती है और बर्डमैन से पूछती है, बर्डमैन ने क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। बर्डमैन बोलते हैं, पाको मेरी डिस्क को लेकर आओ मेरे पास। बर्डमैन ने हकलाते हुए बोलते हैं। तब पाको लेकर के आती है और देखते हैं जब बर्डमैन, तो पता पड़ता है शिकाना ने टाइम ट्रेवल कर लिया है। अब उसने जहाँ पे परमैन उस आग के अंदर कूदा था, वो परमैन को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि टाइम ट्रेवल वो टाइम जैम की मदद से कर तो सकता है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले वो 2 बार टाइम ट्रेवल कर चुका है, तीसरी बार में वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है, बहुत ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए 4थी बार टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। और जो 3री बार में उसने टाइम ट्रेवल करा, उसके अंदर वो उस टाइम पर गया जहाँ पर परमैन जा चुका है आग के अंदर और पाको है अब यूनिवर्स के अंदर। उसने पाको के ऊपर एक गरम चाकू से वार किया है, उसके पेट में मारा है और फिर वो वहाँ से गायब हो रहा है धीरे धीरे करके। पाको वहाँ पे ख़त्म हो रही थी, जहाँ वो पाको की बॉडी को 80% रिकवर करवा चुका था, वहाँ अब उस चाकू की वजह से उसकी बॉडी 40% रह चुकी थी अब रिकवर्ड। पाको उठ तो गई थी, उसके बाद टाइम चल रहा था, लेकिन पाको जख्मी थी। अब पाको ने जितनी भी पावर्स को अचीव करा था वो वापस पहले से भी कम हो चुकी थी। उसकी स्पीड जब उसने उड़ने की कोशिश करी 100 किलोमीटर पर आवर्स, 19 किलोमीटर पर आवर्स का घाटा, 6600 टाइम्स जो पावर उसकी बढ़नी थी परमैन, एक नॉर्मल परमैन के नज़रिए से 6000 टाइम्स। पाको की पावर्स बहुत कम हो चुकी हैं, पाको के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है। उसके जब उसने पेट के अंदर देखा, पेट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल चुका था। वो ऐसे नहीं था कि उसी टाइम निकल रहा था, लेकिन वो कमज़ोरी फील कर पा रही थी, और वो कमज़ोरी फील करने का रीज़न यही हो सकता है केवल एकमात्र कि पेट के अंदर से बहुत खून निकल चुका है। अब पाको बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, उसकी अचीवमेंट्स ख़त्म हो रही हैं, अचीवमेंट अब किसी काम की नहीं रही उसकी। बर्डमैन घायल हो चुके हैं, बर्डमैन को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और शिकाना ने टाइम ट्रेवल कर लिया, हाँ वो भी घायल है, तीनों के तीनों घायल हैं। और वहाँ परमैन की बॉडी धीरे धीरे करके डके हो रही है। परमैन की बॉडी के पास साइंटिफिकली अभी केवल और केवल 11 दिन की मोहलत है। 11 दिन के अंदर अगर परमैन की बॉडी तक नहीं पहुँचा गया तो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। सिचुएशंस बहुत रिमोट हैं। अगर पाको ने अब परमैन को नहीं बचाया, अगर पाको वहाँ तक नहीं पहुँची, तो फिर परमैन की बॉडी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ परमैन की जो सोल थी, सोल का अभी कुछ नहीं कह सकते। परमैन की सोल वापस नहीं आ पा रही है। परमैन की सोल अभी उसी आग के अंदर है, क्योंकि शिकाना ने टाइम ट्रेवल करा है ना, तो परमैन की बॉडी तो जल रही है, परमैन की सोल फिर वहाँ से ख़त्म हो रही है, निकल रही है। अब जब हम कुछ कह नहीं सकते उसकी सोल का, तब चलते हैं थोड़ा सा और टाइम की तरफ। वहाँ परमैन की सोल जली, सोल नहीं, उसकी बॉडी जली और वो अलग हुई उससे। तब ये देखा गया कि हाँ, सुमीने जब घायल थी तब और ज़्यादा घायल थी, तो तब अगर टाइम के अंदर देखा गया तब हमें ये पता चलता है कि उसकी सोल ने पाको से कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि शिकाना के टाइम ट्रैवल की वजह से परमैन की सोल यूनिवर्स के अंदर कहीं गायब हो चुकी है। परमैन की बॉडी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर है। शिकाना ने टाइम ट्रैवल कर लिया, पाको को बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया, वो वापस अब हेलेनोवर्स में पहुंच चुका है। बर्डमैन घायल है, पाको भी बहुत ज़्यादा घायल है। अब गाइस देखिए, अभी अगर मैं बता दूंगा ना कि अब क्या होगा तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। वैसे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इस वीडियो के ऊपर मैं बता दूं कि 700 लाइक्स का टारगेट है, अगर नहीं करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं आने वाला। और यार मैं बता दूं कि कुछ लोग ना इतने होशियार होते हैं कि बस पूछो ही मत। सर जितने भी होशियार लोग हैं ना, उन सबको मेरा नमन है, नमन, प्रणाम सर, सैल्यूट। मैम को भी सैल्यूट। अब आप मैं बताता हूँ क्यों सैल्यूट कर रहा हूँ। सैल्यूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार आप जाओगे, वीडियो देखोगे, लाइक तो करोगे नहीं, मेरे को पता है। अगर करते हो तो कर दो लाइक, और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसी वजह से सैल्यूट कर रहा था मैं आपको कि यार देखो, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर 30K व्यूज़ होने वाले हैं, या अगर लेट देख रहे हो तो हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ हर चैप्टर के अंदर 10K व्यूज़ सब्सक्राइबर, देख लीजिए। हमारी सब्सक्राइबर की नहीं बात कर रहा मैं, चलो सब्सक्राइबर छोड़ो, फैमिली को तो बनाओ यार। एटलीस्ट 4K फॉलोअर्स तो करो, फॉलोअर्स नहीं 4K फैमिली मेम्बर्स को तो लाओ यार। अरे यार देखो, फैमिली मेम्बर्स को ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि अब परमैन बहुत धुएं में चल रहा है, बहुत ख़तरनाक तरीके से परमैन अब डेवलप कर रहा है अपने आप को। नंबर 1 पे आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना, नंबर 1 नेम बनाने के लिए जो टारगेट दिया था, वो टारगेट पूरा हो चुका है। परमैन नंबर 1 बन चुका है भाई। और अब तो बस इतना ही करना है कि फटाफट से पेटिशन को जाकर के साइन करो, ओरिजिनल आईडी से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फेक आईडी से मत करो। मेरी प्रेफरेंस यही है, ठीक है। और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू पी फॉर परमन एंड पियानोइंग। गुड बाय, सायनारा।